दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज हमारे साथ हैं। सौरभ जी, जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी को जवाब भेजा है उसमें स्टैंड में चेंज हुआ है। पहले ये कह रहे थे कि समन गैरकानूनी है, लेकिन अब समन गैरकानूनी मानते हुए भी जो है इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने की बात उन्होंने कही है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 12 मार्च के बाद की तारीख मांग रहे हैं। स्टैंड चेंज हुआ है? देखिए, स्टैंड आज भी वही है, समन गैरकानूनी है। लिखित में दिया है जब मुख्यमंत्री जी ने, स्टैंड कैसे चेंज हो सकता है? मगर सवाल सिर्फ ईडी के सम्मनों का नहीं है, सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं, इनके जो प्रवक्ता हैं, वो कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि कह रहे थे कि मुख्यमंत्री सवालों का जवाब नहीं देना चाहते। मुख्यमंत्री क्या छिपा रहे हैं? मुख्यमंत्री के पास अगर कोई दिक्कत है तो वो बताएं, सवालों के जवाब देने में क्या दिक्कत है? क्या मुख्यमंत्री अपना कुछ बचाना चाह रहे हैं? तो मुख्यमंत्री जी ने पहले कहा, भाई आप लिखित में सवाल दे दो, मैं लिखित में जवाब दे दूंगा। हालांकि वो हो जाना चाहिए था, मगर चलिए उसमें कोई गुंजाइश है। तो जब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़े बड़े वकील जो हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट उसको मानने के लिए तैयार है, तो ईडी क्या सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी हो गई? और ईडी खुद कह चुकी है कि वो आरोपी नहीं है, तो क्या वो उनको टॉर्चर करना चाहते हैं? क्या उनको थर्ड डिग्री देना चाहते हैं? क्या वो उनके साथ बदतमीजी करना चाहते हैं? मुख्यमंत्री को ह्यूमिलिएट करना चाहते हैं? क्या है उनकी मंशा? या अरेस्ट करना चाहते हैं? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आप सवाल पूछिए, आपको जवाब मिलेगा। आपको जितने सवाल पूछने पूछिए, आपको सबका जवाब मिलेगा। इससे अच्छा क्या हो सकता है? भाई ईडी कह रही थी कि हमें गिरफ्तार नहीं करना, हमें सिर्फ जवाब चाहिए। मुख्यमंत्री जी कह रहे थे मुझे जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं, आप सवाल पूछ लो। अब ये बीच का रास्ता है, तो इसमें तो ईडी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर ईडी इसमें परेशान है, इसका मतलब ये है आप मुख्यमंत्री को या तो अरेस्ट करना चाहते थे, ये सिर्फ बहानेबाजी थी, या आप उन्हें ह्यूमिलिएट करना चाहते थे, ये सिर्फ जो है ढकोसला था। तो अगर ईडी इस पर नहीं मानती है कि वो ये कहें कि नहीं आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कीजिए, फिजिकली आइए, तो फिर मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी का ईडी रिटर्न जवाब देगी ना? देखिए, देश तो अभी भी कानून से चलता है। ईडी दे लिखित के अंदर कि ये है, ये है, ये है, तो जो है हमारे जो कानूनी सलाहकार हैं वो उसका जवाब देंगे उन्हें। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली से कैमरा सहयोगी सुशील लाठी के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।